अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास 3 लाख रुपए हैं और मैं आपको हर महीने 5,000 रुपए यहाँ पे दे रहा हूँ, जी हाँ, और आपको मैं पैसा जो दे रहा हूँ उससे मेरे रकम में कमी नहीं हो रहा है, मेरे रकम में और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिला है। इट मीन्स कि मेरा पैसा यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, मैं आपको पैसा यहाँ पे विड्रॉ करके दे रहा हूँ तो भी। अब ये सुन के आप शॉक्ड हो गए। आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप महीने का 20,000-30,000, जी हाँ, जितना आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हर महीने आप यहाँ म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कर सकते हो और आपका पैसा यहाँ पे कम भी नहीं होगा और पैसा बढ़ता ही जाएगा। आज मैं आपके सामने बहुत सारे पॉइंट रखूंगा, SWP के थ्रू हम इस बेनिफिट को पा सकते हैं। जी हाँ, मैं बताऊंगा कि SWP क्या होता है, ये काम कैसे करता है, एग्जाम्पल के साथ मैं आपके सामने रखूंगा और कैसे इन्वेस्टर को ये ज़्यादा सूटेबल होगा। जी हाँ, और वीडियो के लास्ट में एक कमेंट आपके लिए लेके आऊंगा जो कल के वीडियो से एक कमेंट होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फिनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग या कौन सा फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होगा, पोर्टफोलियो में कितना पैसा आपको लगाना चाहिए, एलोकेशन कैसा होना चाहिए, इन सारी बातों को लेके अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि SWP होता क्या है, लेकिन इस पॉइंट को समझने से पहले हमें SIP का मतलब समझना होगा। बहुत सारे इन्वेस्टर वाकिफ हैं इस पॉइंट से, लेकिन जो इन्वेस्टर काफ़ी नए हैं उनको बता दूं कि SIP का मतलब यहाँ पे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। इट मीन्स कि हर महीने किसी एक पर्टिकुलर डेट पे आप एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, इसे हम SIP के तौर पे कहते हैं। और वैसे ही SWP, इट मीन्स कि ठीक उसका उल्टा सिस्टमेटिक विड्रोवल प्लान, कि महीने के किसी एक तारीख को, जी हाँ, एक फिक्स अमाउंट यहाँ पे विड्रो करना स्टार्ट करते हो, उसे हम सिस्टमेटिक विड्रोवल प्लान कहते हैं। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको बता दूँ। ये काम ऐसे करता है, मान लो आपने यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, अब सालाना आपको वो म्यूचुअल फंड 15% का रिटर्न देता है। अब 15% का रिटर्न देता है तो इन्फ्लेशन अगर मैं साल की बात करूँ तो 6% के करीब में है, तो अगर एक्चुअल रिटर्न हम देखें तो यहाँ पे आपका 9% एक्चुअल रिटर्न है। अब 9% का अगर पूरा सालाना आप विड्रॉ कर लेते हो तब तो आपका पैसा ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा, लेकिन हम सालाना यहाँ 5% ही विड्रॉ करते हैं, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 5% हम विड्रॉ करते हैं, ये एक एग्जांपल है। अब ऐसे में जो 4% बच गया, वो 4% आपके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ धीरे धीरे ग्रो करता है, तो आप अपने मंथली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पैसा भी विड्रॉ कर लेते हो, इन्फ्लेशन को भी बीट कर देते हो और आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो भी करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये समझ लूं कि आपके पास 30 लाख रुपए हैं, अब 30 लाख रुपए को आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, एक पोर्टफोलियो बनाया, वहां से 4 से 5 फंड का सिलेक्शन किया और वहां पे 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, एक साल कोई विड्रॉवल सेट नहीं करते हो क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो एक साल बाद आप विड्रॉ करोगे तो एक साल आपका 30 लाख 34 लाख के करीब में हो जाएगा और वहां पे आप 20,000 रुपए विड्रॉ करना स्टार्ट करते हो। जैसे जैसे ड्यूरेशन कंप्लीट होता है वैसे वैसे इन्फ्लेशन के साथ आपका विड्रॉवल अमाउंट भी इंक्रीज होता है, फर्स्ट विड्रॉवल जो होगा वो 20,000 के करीब में और ऐसे 6% इन्फ्लेशन के साथ जब 20वें साल में 12वें महीने में आप पैसा भी निकालोगे तो वो 66,000 के करीब में होगा। और वैसे जो रेट ऑफ रिटर्न मैंने लिया यहाँ पे 13% के करीब में, टोटल विड्रो जो आप कर लोगे वो 92 लाख के करीब में, बैलेंस के तौर पे आपका यहाँ पे 1,09,00,000, जी हाँ, 1,09,00,000 का वैल्यू। इट मीन्स कि आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 30 लाख रुपए था, आपने यहाँ पे 92 लाख रुपए उसमें से विड्रॉ भी कर लिया और आपके पास फिर भी 1,09,00,000 रुपए बैलेंस देखने को मिला, तो आप समझ सकते हो कि ये कैसे काम करता है। तो ये तो समझ में आ गया कि ये कैसे काम करता है SWP।
लेकिन इसके दो ऑप्शन है, कैसे हम बेनिफिट ले सकते हैं इस दो ऑप्शन को समझना पड़ेगा। या तो आपके पास कुछ बड़ा लमसम अमाउंट होना चाहिए। लमसम अमाउंट इट मीन्स कि आप अगर मान लो कि 5,000 रुपये का यहाँ पे विड्रॉ करते हो, कुछ ज़रूरत है आपके महीने का 5,000 रुपये का, तो आपका लमसम अमाउंट ऐसा होना चाहिए कि हम पैसा निकालते भी रहें और वहाँ पे कुछ ग्रो भी होता रहे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 30 लाख का एग्जाम्पल दिया। या फिर अगर आपके पास पैसा नहीं है, जी हाँ बहुत बड़ा रकम नहीं है, तो पहले बहुत बड़ा रकम आप खड़ा करो SIP के तौर पे। यहाँ पे SIP 15,000 से स्टार्ट करते हो, 15 साल के लिए जाते हो, 15% का अगर रेट ऑफ रिटर्न मिलता है तो 1 करोड़ रकम तैयार हो जाता है 15 साल के बाद। और उस 1 करोड़ के रकम से आप धीरे धीरे विड्रॉ करो, वो रकम बढ़ता भी जाएगा और आपका यहाँ पे SWP का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। अब कैसे इन्वेस्टर को ये ज़्यादा सूटेबल है? देखो, जो रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं ना, ऐसे स्ट्रैटेजी के साथ और ऐसे SWP का बेनिफिट ले सकते हैं। जो यहाँ पे इन्वेस्टर कुछ एडिशनल खर्चा चाहते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे सैलरी के साथ कुछ पैसा मिलता जाए कि मेरा कुछ यहाँ पे मैनेज हो जाए, तो अगर आपके पास लमसम अमाउंट है तो इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ एडिशनल भी पा सकते हो। तो आप चाहे तो महीने का 50,000 रुपये निकाल लो, आप महीने का 60,000 रुपये निकाल लो, आप अपने अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड से पैसा भी निकालो और आपका पैसा यहाँ पे ग्रो भी करेगा। जी हाँ, कम होगा नहीं, यहाँ पे बढ़ेगा, जो मैंने तरीका बताया है उस तरीके से। लेकिन हाँ, आपके पास रकम उतना बड़ा होना चाहिए जिससे हम हर महीने SWP का बेनिफिट ले सकें। चलिए अब कल के वीडियो से एक क्वेरी को कवर करते हैं। यहाँ दामोदर जी के साइड से, सर कृपया बताएं SIP में ऑटो डेबिट चालू करना ज़रूरी है? मैंने 4 तारीख को शुरू किया है और मुझे फ़ोन पर कहा जा रहा है। देखिए दामोदर जी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑटो डेबिट मैंडेटरी है। देखो, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने SIP के डेट को याद रख सकते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है ऑटो डेबिट यहाँ पे चालू करो। जी हाँ, देखो ऐसा क्यों बोला जाता है कि कहीं आप SIP के डेट मिस कर गए तो आपका इन्वेस्टमेंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा और एक जो डिसिप्लिन है वो ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि आपको यहाँ पे SIP जो है ऑटो डेबिट चालू करना चाहिए। हो सकता है कि अकाउंट में आपका बैलेंस फ्लक्चुएट करता हो, कभी ज़्यादा कभी कम, या मिस होने का चांस है, तो ठीक है आप मैनुअल ही रखो। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑटो डेबिट आपको चालू करना है, कोई मैंडेटरी पार्ट नहीं है। जो भी अगर आपको यहाँ पे कॉल करके बता रहा है कि ऑटो डेबिट यहाँ पे मैंडेटरी है, उनसे ये ज़रूर पूछो कि ये मैंडेटरी पार्ट कहाँ मेंशन है। डेबिट का कोई गाइडलाइंस है तो आप ज़रूर बताएं। ऐसा कहीं नहीं है कि अगर आप SIP कर रहे हो तो उसको ऑटो डेबिट करना ही पड़ेगा। जी हाँ, तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेरी हो, भेजिए कमेंट बॉक्स में। क्वेरी जनरेट करें, आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।